आई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, देन हमें प्रूव करना है इट्स एन एच डेरिवेटिव इज, इसका एन एच डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स का। तो स्टार्टिंग में आपने क्या किया, वाई वन कैलकुलेट किया, फर्स्ट डेरिवेटिव मीन्स we have to calculate first derivative. What is first derivative? 1 upon x square plus 1. Here, 1 upon x square plus 1. Now, it can be written as, you know about iota? Do you know about iota, beta? Yes, ma'am. Okay. So, x square plus 1. Yes, ma'am. x square plus 1 can be written as x minus iota into x plus iota. Okay. Now convert it. मैम एक बार बता दो कैसे? बेटा जैसे x square minus 1 होता है, उसको आप कैसे लिखते हो? x plus 1 into x minus 1, ये फॉर्मूला लगाते हो ना आप? a square minus b square का क्या फॉर्मूला लगाते हो? Yes ma'am. अब ये x square plus 1 है ना, जो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x square minus iota square, because iota square की value क्या होती है? Minus 1 होती है. So x square plus 1 is equal to x square minus iota square, which is equal to x minus iota into x plus iota. Is it clear? Yes, ma'am. Clear है बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये आपके पास x minus iota into x plus iota आ गया. Iota क्या है? Complex number है एक. अब इसको partial fraction में जब आप break करोगे, तो आप ऐसे करोगे ना इसको? ऐसे break करोगे? A upon x minus iota plus b upon x plus iota. A और b की value आप खुद निकाल लोगे? Yes, ma'am. तो a की value आपके पास आ जाएगी 1 by 2 iota. और b की वैल्यू आपके पास आएगी माइनस वन बाई टू आयोटा, ठीक है? ये दोनों वैल्यूज आने के बाद आपके पास y1 क्या बन जाएगा? y1 is equal to this. इतना समझ आया? पहले बोलो, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b हियर, वी विल गेट y1 is equal to 1 upon 2 आयोटा, 1 over x minus iota minus 1 upon x plus iota. Is it clear? Yes, ma'am. अब देखिए, हमें nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, सो इट कैन बी रिटन एज x माइनस आयोटा की पावर माइनस वन एंड दिस इज x प्लस आयोटा रेज टू पावर माइनस वन. ओके, क्लियर? यस मैम. अब ये किसकी वैल्यू है? y1 की. आपको nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए मैं दोनों साइड क्या लूं? आपको y का nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो दोनों साइड कितने टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे? मैम n, अगर मैं n टाइम्स डिफरेंशिएट करूंगी दोनों साइड, तो मेरे पास यहाँ पे y n plus 1 नहीं हो जाएगा? मैम n minus 1. हाँ, डिफरेंशिएट n माइनस वन टाइम्स, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास y1 का n माइनस वन टाइम्स डिफरेंशिएट करोगे तो yn आ जाएगा ना, जो हमें चाहिए, और इधर yes, आपके इधर आपके पास आएगा n माइनस वन नेट डेरिवेटिव ऑफ x माइनस आयोटा रेस टू पावर माइनस वन माइनस n माइनस वन नेट डेरिवेटिव ऑफ x प्लस आयोटा रेस टू पावर माइनस वन. बोलो, इतना क्लियर हो गया सबको? यस मैम. अब ये डेरिवेटिव आप खुद निकाल लोगे या मैं निकाल के दिखाऊं? ये तो इजी है ना, क्योंकि जब इसके डेरिवेटिव की वैल्यू आप फिल करोगे x माइनस आयोटा की पावर माइनस वन का n माइनस वन नेट डेरिवेटिव, तो वो आपके पास आएगा माइनस वन की पावर n माइनस वन n माइनस वन फैक्टोरियल और x माइनस आयोटा की पावर n, ये वैल्यू आएगी. 1 by 2 iota आपका ऑलरेडी बाहर है. जब आप यहाँ पर इसका n minus 1th derivative की वैल्यू फिल करोगे तो आपके पास आएगा माइनस वन की पावर
एन माइनस वन, एन माइनस वन फैक्टोरियल और एक्स प्लस आयोटा की पावर एन, ये आप काम खुद कर सकते हो। जल्दी बोला करो बेटे। yes. बोलो जल्दी। ये तो वही है ना जो ए एक्स प्लस बी की पावर वाला डेरिवेटिव मैंने आपको सिखाया था स्टार्टिंग में। यस मैम। तो मैम आयोटा कांस्टेंट है ना? हाँ आयोटा कांस्टेंट है आपका। यस मैम। डिफरेंशिएशन आएगी ना? ठीक है। अब आपने क्या काम करना है, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है देखिए, माइनस वन की पावर एन माइनस वन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल यहाँ भी है यहाँ भी है, तो उसको बाहर निकाल लीजिए। तो वाई एन की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस वन की पावर एन माइनस वन, एन माइनस वन फैक्टोरियल ओवर टू आयोटा एक्स माइनस आयोटा, एक्स माइनस आयोटा की पावर माइनस एन और एक्स प्लस आयोटा की पावर माइनस एन, इतना आ गया। अब हमें इसको थीटा में कन्वर्ट करना है ना, क्योंकि जो चीज हमें प्रूव करनी है उसमें शायद थीटा यूज हो रहा है। यस मैम। क्या करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा एंड वाई इज इक्वल सॉरी वन एंड वन इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ये सब्स्टिट्यूशन आपने पुट करना है। पुट x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड 1 इज इक्वल टू r sin थीटा, ठीक है। तो अब जब आप इसको डिवाइड करोगे दोनों को, जब आप दोनों को डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू आपके पास cot थीटा आएगी, क्लियर है। r cos थीटा अपॉन r sin थीटा इज इक्वल टू x अपॉन 1, यानी कि cot थीटा इज इक्वल टू x, ओके क्लियर। यस मैम। यस मैम। अब cot थीटा आल्सो कैन बी रिटन एज टेंजेंट ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, cot थीटा कैन बी रिटन एज टेंजेंट ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, इट मींस टेंजेंट पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू x, इट मींस पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, इज इट क्लियर? यस मैम। मैं एक बार दोबारा बता दो। देखिए बेटा इतना इतना क्लियर है सबको, ये यहाँ तक। यस मैम। अब जो चीज आपने प्रूव करनी है उसके अंदर थीटा का यूज हो रहा है, साइन कोस का यूज हो रहा है, तो इसको साइन कोस में कन्वर्ट करने के लिए जो एक्स है, देखिए एक्स को हमने क्या पुट किया आर कोस थीटा और वन इंटू आयोटा है ना, तो वन को हमने क्या पुट कर दिया आर साइन थीटा, ठीक है। जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा r cos theta upon r sin theta is equal to x upon 1, यानी कि cot theta is equal to x। अब cot theta को हम क्या लिख सकते हैं, tangent pi by 2 minus theta, इसका मतलब tangent pi by 2 minus theta की वैल्यू x आ गई, ठीक है। अब tan inverse उधर ले गए हम tangent को, तो ये tan inverse x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, pi by 2 minus theta आ जाएगी। अगर मैं इस tan inverse x को y नाम दे दूं, सॉरी नाम y आपको गिवन है, आपको y क्या गिवन है, tan इनवर्स x गिवन है, तो यानी कि y इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, pi by 2 माइनस थीटा, क्लियर। चलिए आगे। यस मैम। नाउ pi थीटा इज इक्वल टू pi by 2 माइनस y, तो थीटा की वैल्यू आप निकाल चुके हो, थीटा इज इक्वल टू pi by 2 माइनस y आ गया। अब जो यहां पर हम पहुंचे थे इसको हमने इस सब थीटा में कन्वर्ट करना है, ये सारी वैल्यूज यहाँ पर डालनी है, ये आपका थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब देखो जब हम ये वैल्यूज इसमें फिल करेंगे तो आपका वाई एन क्या बन जाएगा, वाई एन माइनस वन की पावर एन माइनस वन, एन माइनस वन फैक्टोरियल नीचे कितना है, टू आयोटा, ओके टू आयोटा। अंदर देखिए एक्स की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, आर कोस थीटा और वन की जगह हमने r sin थीटा, यही है ना, तो आपके पास ये आ जाएगा r cos थीटा माइनस आयोटा r sin थीटा रेज टू पावर माइनस n, फिर माइनस, फिर r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा रेज टू पावर माइनस n, कितना समझ आ गया सबको, वैल्यू पुट कर दी x की जगह पर r cos थीटा वैल्यू पुट की है और r sin थीटा यहाँ पर पुट की है, यहाँ 1 1 अज्यूम कर लो आप, 1 into iota,
तो r sin थीटा आपने 1 की जगह, मैम ठीक है, तो r sin थीटा इज इक्वल टू 1। तो ध्यान से देखो, यहाँ से भी r की पावर माइनस n कॉमन आ रहा है, इधर से भी r की पावर माइनस n कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो जब आप r की पावर माइनस n कॉमन निकालोगे तो मैं ऐसा करती हूँ, यहीं पर r रिमूव करके और ये r की पावर n यहाँ पर लगा दूँ कॉमन निकालने के बाद। यस मैम। अब आपको डिमोवियस थ्योरम आती है, डिमोवियस थ्योरम कभी होगी आई थिंक आपने, नो मैम नहीं की हुई। चलो फिर नो मैम ऐसा करो, डिमोवियस आपकी डिमोवियस थ्योरम आगे आनी है। आप ऐसे ही, मैं आपको बताती हूँ डिमोवियस थ्योरम में क्या होता है। जो ये पावर होती है ना, जैसे माइनस एन पावर है, तो माइनस एन पावर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाती है, कोस ये बन जाएगा कोस माइनस एन थीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ माइनस एन थीटा। ऐसे ये जो पावर माइनस एन है ये एंगल के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगी, ये डिमोवियस थ्योरम होती है। बात समझ आई? जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर होता आपका कोस थीटा प्लस साइन थीटा की पावर टू, तो आपके पास आ जाता कोस टू थीटा प्लस साइन टू थीटा, एंगल के साथ पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। आप इतना ध्यान रखो, अभी बाद में आप डिमोवियस ये जो थ्योरम मैंने लगाई है इसको आप डिटेल में पढ़ोगे, अभी आपके लिए इतना सफिशिएंट है कि पावर जो है वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जब यहाँ कोस थीटा को माइनस एन से मल्टीप्लाई करोगे तो कोस माइनस एन थीटा और कोस ऑफ माइनस एन थीटा कोस एन थीटा ही रहता है, ठीक है। और यहाँ साइन माइनस एन थीटा हो जाएगा, जो उसका माइनस आगे आएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस आयोटा साइन एन थीटा। इतना समझ आ गया, क्लियर? ऐसे ही यहाँ लगाओ कोस माइनस एन थीटा इज कोस एन थीटा और उधर हो जाएगा माइनस आयोटा साइन एन थीटा। इतना डिमोवियस थ्योरम अप्लाई करने के बाद अब cos n theta से cos n theta कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रहेगा 2 iota sin n theta, तो that means y n की वैल्यू अब आपके पास आएगी minus 1 की पावर n minus 1 and 2 iota r की पावर n और 2 iota sin n theta, 2 iota से 2 iota भी कैंसिल हो जाएगा। इतना आ गया, बोलो इतना समझ आ गया सबको? Yes, ma'am. अब फिर से आर आर की एन की वैल्यू पुट करनी है। व्हाट इज आर? आर रेज टू पावर एन, आर इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा, आर इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा। सो आर रेज टू पावर एन इज 1 अपॉन sin n थीटा, क्लियर? बोलिए। यस मैम। ठीक है, तो मैं इस साइन एन क्योंकि यहाँ पर लिख दूँ मैं साइन एन थीटा, तो अब आपके पास वाई एन की वैल्यू आ रही है माइनस वन की पावर एन माइनस वन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल साइन एन थीटा इंटू साइन रेज टू पावर एन थीटा। इतना आ गया आपको। अब आपने थीटा की वैल्यू पुट करनी है, इस वाले थीटा की वैल्यू, जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पर आपने क्या पुट करना है। थीटा कितना आ गया था आपके पास? थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस पाई। तो जहां जहां थीटा है वहां वहां आपने क्या सब्सटीट्यूट कर देना है? पाई बाय 2 माइनस वाई पुट कर देना है, ठीक है। मेरे पास स्पेस भी यहां कम है, ये दिखाई दे रहा है आपको? तो ये हो जाएगा माइनस 1 की पावर एन माइनस 1 एन माइनस 1 फैक्टोरियल साइन एन थीटा, थीटा इज पाई बाय 2 माइनस वाई एंड साइन रेज टू पावर एन थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज पाई बाय 2 माइनस वाई, क्लियर? ये n आपका मल्टीप्लाई में है और ये जो n है वो आपका पावर में है। इतना समझ आ गया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखिए ये क्या बन जाएगा, पाई बाय 2 की वजह से साइन किस में कन्वर्ट हो गया? कोस में। तो इस ये आपका जो है ये कोस रेज टू पावर एन वाई बन जाएगा, जल्दी। और
ये जो है आपका साइन एन इंटू पाई बाई टू माइनस वाई, ये एन मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, यानी कि ये बन जाएगा एन पाई बाई टू माइनस एन वाई। क्लियर? जल्दी बोलो बेटा। यस मैम। यस मैम। ये थोड़ा सा टिपिकल है एग्जांपल, तो इसलिए इसको नोट कर लेना, ये जैसे भी है ये रिकॉर्डिंग में सेंड कर दूंगी आपको। तो अब देखिए जो साइन एन पाई बाई टू माइनस एन वाई है उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, इस वाले टर्म को देखिए, ये आपकी एज इट इज है, ये वाली टर्म भी आपकी एज इट इज है, जो बीच वाली जो टर्म है उसको मैं अब थोड़ा सा और चेंज कर रही हूँ, इसको मैं cos पाई बाई टू माइनस एन पाई बाई टू माइनस एन वाई ऐसे लिख सकती हूँ ना, बस ये इसको मैंने पाई बाई टू में से सब्ट्रैक्ट कर दिया ना और cos लगा दिया आगे। यस मैम। यस मैम। cos n pi by 2 minus n y pi by 2 minus। अब देखो cos में आपको पता है क्योंकि cos of minus theta, हमारे पास cos theta होता है, ये रिजल्ट तो सबको पता है ना, cos of minus theta cos theta होता है, that means cos में negative positive angle का कोई फर्क नहीं होता है ना, वैल्यू सेम रहती है। तो अब जो ये चीज है इसको मैं चाहे ऐसे भी लिख दूं, माइनस यहाँ लगा के और यहाँ प्लस कर दूँ, एक ही बात है ना, क्योंकि कोस में कोस ऑफ माइनस थीटा और कोस ऑफ थीटा बोथ आर सेम वैल्यूज कोस थीटा। इज इट क्लियर? यस मैम। अब देखो इसको फिर इसको और क्या लिख सकते हो, अब माइनस पाई बाय टू है, ये प्लस एन पाई बाई टू है, इन दोनों में से पाई बाई टू कॉमन आने के बाद अंदर क्या बचेगा आपके पास, अभी आपका प्रूव हो गया है, जो चीज आपने प्रूव करनी है बेटा उसमें देखो, एक ये टर्म आ रही है, एक ये वाली टर्म है, एक आपके पास cos रेज़्ड टू पावर एन वाई वाली टर्म है, और एक ये वाली टर्म है, और इसमें से बस उन्होंने पाई बाई टू कॉमन आई थिंक निकाला हुआ है, इन दोनों में से पाई बाई टू कॉमन निकाला हुआ है, फिर आपका प्रूव हो गया, यही आपने प्रूव करना है इस क्वेश्चन में। ओके, अब कुछ चीज समझ नहीं आई है तो वो मुझसे पूछ लीजिए आप। बोलिए जल्दी। देखो यहाँ तक तो है बिल्कुल इजी, यहाँ तक तो आपका पहले वाला क्वेश्चन है, बस उसके बाद ये सब्स्टिट्यूशन से थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर आपने आर कोस थीटा और आर साइन थीटा यहाँ से स्पेशली ध्यान रखना है, ठीक है, और यहाँ तक अपना बिल्कुल सेम फोर्थ ए एक्सरसाइज के वाला ही क्वेश्चन है जो सिंपल क्वेश्चन आप करते हो, ये थोड़ा सा आगे है इसमें कि जो सब्स्टिट्यूट करके आपने कन्वर्ट करना है, इसके थोड़ा सा अलग है, रब कर दूं। बोलो बेटा हम नोट कर लेते हैं, साथ के साथ नहीं किया था नोट, हम बस लास्ट कर रहे हैं थोड़ा सा। यस लैब ने शुरू करें, हम कंटिन्यू करते हैं। सपोज आपके पास देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ nth डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन e रेज टू पावर m sin इनवर्स x। आपके पास ये फंक्शन है, आपको क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, yn at zero, यानी कि find, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, nth derivative, value of nth derivative at the point x is equal to zero, you have to calculate nth derivative of y at the point zero, at the point x is equal to zero, okay, clear is statement सबको? सबको clear है statement? बोलिए। गर्ल्स एम आई ऑडिबल? बेटा मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही आपको?
बेटा मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। क्लियर नहीं आ रही? चलिए विजिबल है आपको? यस मैम। यस मैम। y1 निकालिए। व्हाट इज y1 हियर? y1 इज e रेज टू पावर n sin इनवर्स x इनटू डेरिवेटिव ऑफ m sin इनवर्स x व्हिच इज इक्वल टू m ओवर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट m e रेज टू पावर m sin इनवर्स x। क्लियर? नाउ दिस इज इक्वल टू m इनटू y। सो वी हैव y1 इनटू रूट 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू my। Now scaling both side, ठीक है? जब आप scaling करोगे तो आपके पास आ जाएगा m square y square. That means आपके पास आ गया 1 minus x square y 1 square minus m square into y square is equal to 0. अब इसके बाद आपने क्या काम करना है? दोबारा से differentiate करना है। दो बार differentiate करके फिर आप लेबनीज रूल यूज करते हो। अभी आपने सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट किया है। अब यहाँ पर आप दोबारा डिफरेंशिएट कर लोगे। जब आप अगेन डिफरेंशिएटिंग करोगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। जब प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा तो y1 स्क्वायर का हो जाएगा 2y1 y2 और 1 माइनस x स्क्वायर एज इट इज। फिर आपका y1 स्क्वायर एज इट इज और 1 माइनस x स्क्वायर का माइनस 2x माइनस m स्क्वायर और y स्क्वायर का हो जाएगा 2y y1 इक्वल टू 0। इतना क्लियर हो गया सबको? Yes, ma'am. 2y1 cancel हो रहा है, देखिए सभी में से 2y1, यहाँ भी 2y1 है, यहाँ भी 2y1 है। So taking 2y1 common and cancel from both side, you will get 1 minus x square into y2 minus x into y1 minus 2 sorry 2y1 cancel हो गया minus m square y is equal to 0। अब ये equation आपके पास आ गई है। अब यहाँ पर आपने nth derivative निकालने के लिए Leibniz rule का use करना है। अब हम क्या लिखेंगे? Differentiating n times by using Leibniz rule. Is it clear? अब Leibniz rule लगाइए। जब आप Leibniz rule लगाओगे तो इसमें ये आपका हो जाएगा v और ये हो जाएगा u, ठीक है? n से 0, n से 0 is 1, nth derivative of u is yn plus 2 into v as it is 1 minus x square. फिर आपके पास आएगा n और n minus 1 nth derivative, यानी कि yn plus 1 और 1 minus x square का derivative minus 2x. फिर plus n into n minus 1 by 2 factorial, यानी कि 2. फिर आ जाएगा इसका आगे yn और minus 2x का minus 2. तो ये फर्स्ट टर्म में फर्स्ट टर्म का जो आपका लेबनीज रूल अप्लाई करोगे तो ये तीन टर्म्स आपके पास आएंगे। अब मैं नेक्स्ट टर्म पर माइनस, अब दूसरी वाली का यूज xy1 में इसको x को v मानोगे और y1 को u लेट करोगे तो आपके पास आएगा y n plus 1 into x, ठीक है? फिर प्लस nc1 n y n x का डेरिवेटिव आपके पास हो जाएगा 1। तो ये दो टर्म्स ही आएंगी और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा माइनस एम स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0। लेबनीज रूल अब तो क्लियर होगा क्योंकि मैं ये पहले आपको डिटेल में समझा चुकी हूँ। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है? यस मैम। तो अब आप इसको कंपाइल कर लोगे। कंपाइल करने का मतलब है जो टर्म्स कैंसिल होती है मल्टीप्लाई खोल लेना, जो टर्म कैंसिल होती है कैंसिल कर देना। तो कंपाइल करने के बाद आपके पास देखो बेटा ये आ जाएगा, एक दो टर्म्स ना इसमें से कैंसिल हो जाती है और कुछ आपके पास पहले x square वाली टर्म, फिर x वाली टर्म और फिर विदाउट x। मैम थोड़ा ऊपर करना, दिख नहीं रहा। ठीक है? पहले x square वाली टर्म ऐसे कंपाइल करोगे ना इसको, इन सारी टर्म्स को, फिर x वाली टर्म्स, फिर उसके बाद विदाउट x वाली टर्म। एक दो टर्म आपकी कैंसिल हो जाएंगी मल्टीप्लाई जब भी आप ओपन करोगे तो। ठीक है? अब मेन चीज है ये काम आपका पहले वाला है जो मैं समझा चुकी हूँ। अब नया काम क्या है जो हमने जीरो के ऊपर डेरिवेटिव, अगर सिंपली आपको बोला होता कि वाई एन निकालिए तो आपका काम यहाँ तक था, लेकिन अब इन्होंने वाई एन की वैल्यू एट द पॉइंट पूछी हुई है x इज इक्वल टू 0। तो आपने क्या काम करना है, आपने इक्वेशन नंबर पहले आप वाई जो गिवन इक्वेशन है उसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दीजिए इसको, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है? जो वाई वन वाली इक्वेशन है y1 वाली, इसको सेकंड इक्वेशन नाम दे देते हैं
जो ये y2 वाली आई थी आपके पास, ये वाली, इसको मैं थर्ड नाम दे देती हूँ, और जो मेरे पास nth डेरिवेटिव वाली आई है इसको मैं फोर्थ इक्वेशन नाम दे देती हूँ। इतना क्लियर है सबको? जल्दी बोलिए बेटा, टाइम होने वाला है। यस मैम। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, फिर मैं कल कंटिन्यू करूंगी इसको। अब आपने सारी चारों के चार इक्वेशन में x = 0 पुट करना है। जब आप फर्स्ट इक्वेशन में 0 पुट करोगे तो आपके पास y की वैल्यू 0 पे आ जाएगी, यानी कि y 0, y 0 is equal to e raised to power m sin inverse 0, ये आ जाएगा e raised to power m, sorry, e raised to power 0 यानी कि 1 आ जाएगा। क्लियर? ये फर्स्ट इक्वेशन में जब मैंने वैल्यू पुट की है। अब मैं सेकंड इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रही हूँ। जब मैं सेकंड इक्वेशन में वैल्यू पुट करूंगी तो मेरे पास आएगा, देखो, y1 square 0 into 1 minus 0 is equal to m square y square 0, यानी कि y